पृथ्वी हमारा घर है जिसमें हम सभी अपना जीवन गुजारते हैं और हम जहाँ रहते हैं वहाँ 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होती है। दिन में तो हम सौर मंडल के लीडर सूरज को देखते हैं, वही रात को हमें चांद दिखता है। 453 करोड़ वर्ष पहले जन्मी हमारी पृथ्वी का चांद पृथ्वी के ही मुकाबले काफी छोटा है और ये पृथ्वी पे होने वाली अनेक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारी धरती अपनी धुरी पर टिके रहकर सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर घूमती रहती है। इसका प्रमुख कारण धरती पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है। हालांकि धरती के चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस बल को बाधित करती रहती है, इसी कारण ही समुद्र में ज्वार का निर्माण होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सिद्ध में होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि उस दिन समुद्र में शक्तिशाली लहरें बनती है। इसे उच्च ज्वार कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य से 2.6 लाख गुना छोटी है, लेकिन सूर्य की तुलना में धरती से 380 गुना ज्यादा नजदीक है, इसलिए चंद्रमा की समुद्र में ज्वार बनने की क्षमता सूर्य की तुलना में 2.70 गुना अधिक है। अब जरा सोचिए कि हमारी धरती से इतना छोटा होते हुए भी चंद्रमा समुद्र में इतनी शक्तिशाली ज्वार का निर्माण कर सकता है, तो अगर चांद पृथ्वी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? असलियत में ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। हम जानते हैं पृथ्वी चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चांद। चांद का सर्कल फेरन 6783 मील के, वही पृथ्वी का सर्कल फेरन इससे 4 गुना ज्यादा है। अगर चांद अपने साइज से बड़ा होने लगेगा तो पृथ्वी में अनेक बदलाव होंगे। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर अपने ऑर्बिट में रहकर लगाती है, लेकिन पृथ्वी अपने ऑर्बिटर में 24.5 डिग्री तक झुकी हुई है और इसका कारण चांद है। अगर चांद पृथ्वी से बड़ा हो जाए तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट में और भी ज्यादा झुक जाएगी। चांद के बड़े हो जाने के बाद चांद एक ग्रह कहलाएगा और पृथ्वी उसका एक नेचुरल सैटेलाइट। क्योंकि चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अब पृथ्वी चांद के चारों ओर घूमेगी, न कि चांद पृथ्वी के चारों ओर। सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि चांद के बड़ा होने के बाद क्या धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा और पृथ्वी पर जीवाज सक्रिय रहेगा, लेकिन इंसानी रूप में नहीं बल्कि दूसरे रूप में, जैसे कि सूक्ष्म जीव। चांद के बड़ा हो जाने से समुद्र में और भी ऊंची लहरें आने लगेगी। समुद्र में लहरें चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से भी आती है, और जब चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो गौरतलब है कि लहरों का साइज भी बढ़ेगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है पर वो अपने अक्षीय में रोटेट नहीं करता, और उसकी वजह से हम चांद का दूसरा हिस्सा कभी नहीं देख पाते। लेकिन अगर चांद धरती से बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी अपने अक्षीय पर नहीं घूमेगी, जिसकी वजह से एक दिन का समय गट जाएगा। इसकी वजह से हमारा डे, वीक, मंथ और ईयर सब गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद एक दिन 30 के बराबर होगा, उसके 15 दिन सूर्य निकलेगा और 15 दिन चांद, जिसकी वजह से धरती के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य की किरणों की जरूरत होती है और इनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो 15 दिन बिना फोटोसिंथेसिस के जीवित रह पाए। चांद के बड़े हो जाने से सीजन्स डगमगा जाएंगे और पेड़ पौधे न होने के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, जिसकी वजह से इंसान का अंत होने लगेगा पर कुछ सूक्ष्म जीव जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।